पीसी के माध्यम से जो बीजेपी पे निशाना साधा है उसको लेके बीजेपी का क्या कहना है? अगर असि ध्यान प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो उन्हें बड़ी स्पष्टता ने मान लिया कि मोदी जी द्वारा सरकार च आ रहे सत्ता च आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो वो अमित शाह प्रधानमंत्री बनाते करके करके आ रहे हैं, मतलब मोदी जी आ रहे हैं की कह सकते हैं। और जी बाकी उन्हें गल् आखियां और जिन्ना मर्जी कैंपेन करे कुछ भी करे, जिते जाएगा लोगों को शराब की बोतल याद आएगी, एक दिन एक फ्री याद आएगा और शराब के घोटाला याद आएगा। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि मोदी जी अगर 75 साल के हो जाएंगे उसके बाद कौन होगा चेहरा, वो चलिए वो एक बात तो मान्य कर रहे ना, एक गल तो मान रहे ना कि मोदी जी आ रहे हैं, ये तो गल मान रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं। हूँ इस तो अगर की गल कही है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल खुद मान रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बन जा रहे हैं, लेकिन वो एक और दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में भी 7 सीट और गठबंधन की जाएगी, पंजाब में भी कई बार दावे कर चुके और उन्हें दावे खोखले हो चुके। और भगवंत मान ने भी दावा किया सर पंजाब को लेकर, मानो अपने पंजाब की चिंता करे, दिल्ली सत्ता सीटा बीजेपी जीत रही है। पीसी के माध्यम से जो बीजेपी पे निशाना साधा है उसको लेकर बीजेपी का क्या कहना है? ध्यान प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो उन्हें बड़ी स्पष्टता ने मान लिया कि मोदी जी द्वारा सरकार च आ रहे सत्ता च आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो वो अमित शाह प्रधानमंत्री बनाते करके करके आ रहे हैं, मतलब मोदी जी आ रहे हैं, इस तरह की कह सकते हैं। और जी बाकी उन्हें गल् आखियां और जिन्ना मर्जी कैंपेन करे कुछ भी करे, जिते जाएगा लोगों को शराब की बोतल याद आएगी, एक दिन एक फ्री याद आएगा और शराब के घोटाला याद आएगा। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि मोदी जी अगर 75 साल के हो जाएंगे उसके बाद कौन होगा चेहरा, वो चलिए वो एक बात तो मान्य कर रहे ना, एक गल तो मान रहे ना कि मोदी जी आ रहे हैं, ये तो गल मान रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं। हूँ इस तो अगर की गल कही है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल खुद मान रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बन जा रहे, लेकिन वो एक और दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में भी 7 सीट और गठबंधन की जाएगी, वो कई बार पंजाब में भी कई बार दावे कर चुके और उन्हें दावे खोखले हो चुके। और भगवंत मान ने भी दावा किया सर पंजाब को लेकर, मानो अपने पंजाब की चिंता करे, दिल्ली सत्ता सीटा बीजेपी जीत रही है। पीसी के माध्यम से जो बीजेपी पे निशाना साधा है उसको लेकर बीजेपी का क्या कहना है? ध्यान प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो उन्हें बड़ी स्पष्टता ने मान लिया कि मोदी जी द्वारा सरकार च आ रहे सत्ता च आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो वो अमित शाह प्रधानमंत्री बनाते करके करके आ रहे हैं, मतलब मोदी जी आ रहे हैं, इस तरह की कह सकते हैं। और जी बाकी उन्हें गल् आखियां और जिन्ना मर्जी कैंपेन करे कुछ भी करे, जिते जाएगा लोगों को शराब की बोतल याद आएगी, एक दिन एक फ्री याद आएगा और शराब के घोटाला याद आएगा। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि मोदी जी अगर 75 साल के हो जाएंगे उसके बाद कौन होगा चेहरा, वो चलिए वो एक बात तो मान्य कर रहे ना, एक गल तो मान रहे ना कि मोदी जी आ रहे हैं, ये तो गल मान रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं। हूँ इस तो अगर की गल कही है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल खुद मान रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बन जा रहे, लेकिन वो एक और दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में भी 7 सीट और गठबंधन की जाएगी, वो कई बार पंजाब में भी कई बार दावे कर चुके और उन्हें दावे खोखले हो चुके। और भगवंत मान ने भी दावा किया सर पंजाब को लेकर, मानो अपने पंजाब की चिंता करे, दिल्ली सत्ता सीटा बीजेपी जीत रही है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स।